अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ब्लाउज की पाइपिंग करने का तरीका सीखने वाले हैं। हमें ब्लाउज का पाइपिंग किस तरह से करना है और एकदम सिंपल इजी स्टेप से हम पाइपिंग करना सीखेंगे। हमने ये प्रिंस कट ब्लाउज सिल के तैयार कर लिया है। अगर आपको इसका कटिंग और सिलाई देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। अभी हम इसकी पाइपिंग करने का तरीका देखेंगे। हमें पाइपिंग किस तरह से करना है उसके लिए हमने विदाउट कपड़ा लिया है कि आपको ये पाइपिंग समझ में आए। तो देखते हैं हमारी पाइपिंग के लिए कपड़ा कट करने का तरीका किस तरह से है। हम पहले कपड़ा कट कर लेंगे। हमने ये इस तरह से ब्लैक कपड़ा लिया है। हमें ये वेरेबी कट में कट करना है। क्रॉस में कपड़ा कट करेंगे। क्रॉस में कपड़ा कट करने से हमारा पाइपिंग करने का स्टेप अच्छे से आएगा। हम पहले से लेवल कर लेंगे। हमारा ये कपड़ा क्रॉस कट में है इसलिए हम इसे स्ट्रेट में कट करेंगे। पहले हम इसे आधे इंच पे इस तरह से लेवल कट कर लेंगे। हमने ये इसकी कटिंग लेवल कट में कर ली है। अब डेढ़ इंच के फासले पे हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने ये डेढ़ इंच के फासले पे वेरबी कट में ये पट्टी कट कर ली है। ये पट्टी कट करने के बाद हमें इस तरह से स्ट्रेचेबल में आनी चाहिए। देखेंगे हमारा पाइपिंग करने का तरीका। सबसे पहले हमारे गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे पाव इंच के फासले पे। सिलाई लगा लेने से हमारा गला जितना जितना रहेगा फैलेगा नहीं। हम पहले गले पे सिलाई लगा लेंगे। पाव इंच के फासले पे हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने ये हमारे गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमने जो पट्टी ली है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जहां पे हमने सिलाई लगाई है उतने फासले पे हमें ये पट्टी इस पे इस तरह से लगाना है। आधा इंच आगे छोड़ेंगे। आधा इंच इस तरह से आगे छोड़ना है और हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करते टाइम पे हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करनी है। हम ये जो हमने पाइपिंग के लिए जो कपड़ा लिया है इसे हमें हल्का सा इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। खींचते हुए सिलाई लगाएंगे तो हमारा शोल्डर पे से जो हमारा गला सरक जाता है वो कभी सरकेगा नहीं, फिटिंग में आएगा बराबर से। हम इसे कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे। हमें पूरे गले पे इसी तरह से खींचते हुए ये हल्का सा लाइटली खींचते हुए ये कपड़ा अटैच करते हुए पाव इंच पे सिलाई लगा लेंगे। हमने ये पाइपिंग इस तरह से लगा दी है। डबल में पट्टी करके हमने इसे इस तरह से पाव इंच के फासले पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैं जूम करके बता रही हूँ, पाव इंच के फासले पे हमने ये सिलाई लगा दी है। अभी से हम पाइपिंग किस तरह से करना है वो देखेंगे। हमने जो आधे इंच पे इस तरह से ये पट्टी आगे छोड़ी है इसे हम इस तरह से करेंगे और इसे फोल्ड करते हुए हम ये इस तरह से ये पाइपिंग करेंगे। हमारा जो ये माहे का कपड़ा है पूरा हमें इस कपड़े में फोल्ड करना है। इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और पाइपिंग सिलने का तरीका देखेंगे। पाइपिंग की ये जो हमारी सिलाई है, हमारी सिलाई का टाका ये दोनों के सेंटर में यहाँ पे आना चाहिए, ना कि इधर से और ना ही इस पे। हमारा ये सिलाई के जहाँ पे हमारी सिलाई है वहाँ पे हमारी सिलाई का टाका आएगा। हमें पूरी पाइपिंग इसी तरह से करनी है। हम स्टार्ट करेंगे। कपड़ा लेने के लिए हमें इस तरह से ये अंगूठा इधर से नीचे से लेना है और हमने अंगूठा नीचे से लिया है। जहाँ पे हमारा ये माया है हम इस कपड़े में इस तरह से डालते हुए इसे स्टिचिंग करेंगे।
ये देखिए हमारी पाइपिंग कितनी फिनिशिंग में और कितनी खूबसूरत पाइपिंग लग रही है, पूरी एक जैसी है। और हमारा इसमें कपड़ा भी पूरी तरह से इसमें चला गया है। इसी तरह से आपको भी करना है। ये देखिए पाइपिंग करने का तरीका, जिस तरह से हमने स्टेप फॉलो की है, अगर आप उसी तरह से ये स्टेप फॉलो करते हुए पाइपिंग करेंगे तो आपकी पाइपिंग भी इसी तरह से आएंगी। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरती से पाइपिंग लग के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये पाइपिंग लगाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगले वीडियो में हम डोरी बनाने का तरीका देखेंगे, देखेंगे हम किस तरह से गोल डोरी और दाब डोरी किस तरह से तैयार करते हैं। पाइपिंग को हम जूम करते हुए देखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरती से हमने इसे पूरा पाइपिंग तैयार किया है। अगर आप ये पूरे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको भी इसी तरह से ये पाइपिंग बनाना इजीली आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।